वड़ी आड़ी शरबत का प्री मिक्स करने के लिए मैंने यहाँ इलायची, काली मिर्च और वड़ी आड़ी ली है। दो तीन काली मिर्च और तीन चार इलायची ली है और एक बाउल वड़ी आड़ी ली है। इन सब को मैंने मिक्सी में पीस लिया है। मिक्सी में पीस के एकदम बारीक पाउडर करना है और देखो कितना बारीक किया है पाउडर, जो पानी में घुल जाता है उतना बारीक किया है। और जो मोटी वाली शक्कर आती है ना, वो दो बाउल लिया है मैंने, उसका भी एकदम बारीक पाउडर करना है जैसा हमने वरियाली का किया था। और इस पाउडर शुगर को वरियाली में मिक्स कर देना है और देखो कितना बारीक हो गया है। जैसे आप पानी में डालोगे ऐसे घुल जाएगा। और पानी में डाल के आपको ऐसे ही पीना है तो पी सकते हैं और छन्नी से छान के भी पी सकते हैं। और इसमें नींबू भी ऑप्शनल है, पसंद है तो डाल सकते हैं। और अब गुटली का मुखवास बनाते हैं। देखो गुटली का मुखवास बना रही हूँ। ऐसे छिलकी निकाल के मैंने इसको साफ कर लिया है और इसको बॉईल करूँगी। और छिलका कैसे निकालना है, इधर से पकड़ के इधर जो हथौड़ी या कोई वजन वाली कोई वस्तु होती है ना, वो ठप करने का इस पर तो निकल जाएगा। इसको मैंने पानी में और थोड़ा सा नमक डाल के कुकर में एक विसल तक बॉईल कर लिया है और ऐसी नरम हो जाती है। एक विसल तक बॉईल कर लिया है और इसको आगे में पतली पतली ऐसे कटिंग करूँगी। और इसको छीनना है तो छीन, आपको पसंद है तो छीन भी कर सकते हैं। और ये देखो गुटली का मुखवास सूख के सरस अच्छे से कुरकुरे हो गए हैं। देखो कितनी पतली हुई है। इसमें केसर केरी की गुटली और हाफूस केरी की दोनों की मिक्स है, इसीलिए वाइट भी है ये और ये ब्राउन भी है गुटली। और देखो कितनी कुरकुरी और क्रंची है। देखो एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा घी ले लिया है, अगर घी पसंद नहीं है तो ऑयल भी डाल सकते हैं। और इतना मुखवास में सेक के आपको दिखा रही हूँ। गुटली को गैस पे एकदम धीमी आंच पे सेकना है वरना ये जल जाती है। गुटली के मुखवास को हम ऐसे ही खा सकते हैं और तल के मुखवास में मिक्स करके भी खा सकते हैं। अगर आपको मिक्स नहीं करना तल के मुखवास में तो ऐसे ही रख दे और इसमें काला नमक मिक्स कर दे, ऐसे मुखवास में यूज़ कर सकते हैं। ये देखो मैंने मिक्स कर लिया है तल के मुखवास में। और आज कृषा क्या बना रही है, देखो आज कुछ अलग बना रही है। कृषा क्या बना रही हो तुम? कचौड़ी। ओके, पहली बार ट्राई कर रही है, देखते हैं कैसी बना रही है। तो चलो पहले तो आलू बॉईल कर रही है, आके देखते हैं। और फेनिल गया है मेंदा लेने, और मिश्री, फेनिल, ओम सब कृषा की हेल्प करने वाले हैं। कृषा सबको कचौड़ियां खानी, इसीलिए मैं आलू छीलूंगा। वो कृषा सेना है, वो सब उसकी सेना को काम बांट दिया है कृषा ने। मैं आलू छीलूंगा। और कृषा सेना तैयार है कचौड़ी खाने के लिए, मगर उससे पहले जंग जीतनी है उसको जो कुकिंग की है। फेनिल मेंदा लेके आ गया है। मैंदा में नमक और अजवाइन कृषा ने डाल दिया है। अब कृषा डाल रही है घी मोई में, क्योंकि घी का टेस्ट अच्छा आता है कचौरी में और खस्ता होता है इसी से। अब मिक्स कर सब। यहाँ का बीज है और ये जीरा है, ये दोनों को कूट लेगी मिसू। चल मिसू आजा। कूट कूट के कूट डालू, कूट डालू। छोटी छोटी गठिया नहीं रहनी चाहिए। ये खिचड़ी का एपिसोड देख देख के मैंने मैंने शुरू हो गया। ओरेगानो क्या होता है बोलो? ओरेगानो अंसा। ओरेगानो मतलब? ओरेगानो मैदे का आटा पहली बार मिक्स कर रही है। रोटी तो बना रही है अब कई दिनों से, क्योंकि मेरे हाथ और पैर सब वेकेशन है, पैर और हाथ में। और पीछे से बा देख रहे हैं क्या बना रहे हैं। बा आसु बना रहा था। ना
હમણાં શું આમ બોલતા હતા? કઈ ખબર નહીં. કચોરી ખાવી તમારે? કચોરી કચોરી અને કચોરી બને. હું બનાવું છું ને. બટેટા બોઈલ તો હો ગયા મગર જલા દિયા, થોડા સા જલ ગયે. મેને નહી જલા દિયા, કુકર ને જલા દિયા. કોઈ બાત નહી, હોતા હે. ચલો નિકાલો. કોકા કોલા મેં બોઈલ કિયા હે. તો અબ મિસુ તો જા રહી હે. મિસુ જા રહી હે અપને ઘર, કચોરી કો છોડ કે જાના પડે. બાય, આવજે પછી રોકાવા. વા દેખો યે, એ હમારી યાદુ ગોલુ મોલુ, એ ફેનિલ આટેકો થોડા સ્મૂથ કર દેગા ઓઇલ લગા કે. મુજે ભી નહીં બતાયા કેસે કરુંગા, લેકિન કરુંગા. આટા કૂટ રહા હે ફેનિલ. ઓર વિશા પહેલે ક્યા ડાલોગી કચોરી મેં? રામ જાણે તું કે. રામ જાણે એ સબ મસાલે ડાલને હે. ઓર ક્રિશા ને કિયા કે યા એક બાત આપકો સિક્રેટ દિખાઉં, યે આદુ દેખો ઇતના સા ક્યું હે પતા હે. આદુ થા ઇતના બડા, બહોત બડા થા. મગર જો ઇસમે દોનો તરફ લગ જાતા હે ના, વો કચરે મેં જાને દિયા. ઓર જેટના ડીશ મેં આયા થા ના ઉતના હી રખા. દેખો દેખો ઇસ ચહેરે કો 100 IQ ઇતના હી અદરક રખા. ઓર યે ક્યા હે? હલ્દી હે, યે ચાટ મસાલા હે, ઓર યે ધનિયા પાવડર હે, ઓર યે ખડે ધને ધનિયા, ઓર માગી જા મે વાત જીરા કૂટ લિયા હે, ઓર મિર્ચી હે. યે એમ ન કરવાનું, એવા સબ મસાલે મેં ડાલેંગે. ઓય એમ ઓય હમ જાય. ઓર ઇસમે મૂંગ કી દાલ ભીગો કે પીસ કે ડાલતે હે, મગર બચ્ચો ને ઇન્સ્ટન્ટ કિયા હે તો મૂંગ કી દાલ અમને ભીગોઈ નહીં થી, ઇસીલીએ પોટેટો હી ડાલ રહે હે. મિર્ચી 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 સબ મસાલે બસ ઓલા બાદ મેં ડાલના, પહેલે પોટેટો. નમક ડાલના હે. મુજે લગતા હે તું કચોરી મેં સે કે ઘૂઘરા ના બના દો. કચોરી મેં મૂંગ કી દાલ ભી હોતી હે, મગર અમને ભીગોઈ નહીં થી. ઇન્સ્ટન્ટ કરને કો બચ્ચો કો ખાને કા મન હુઆ તો તો કહેતે કે ચલો ઓનલી પોટેટો મેં બનાતે. લગ જા કામ પે, કુટ કુટ કે એકદમ સ્મૂથ બનાના હે. ઇસકા પૂરા ગુસ્સા નિકાલ દુંગા ઇસકે ઉપર. સબ મસાલે ડાલ દે. થોડી લાલ મિર્ચ ઓર થોડા સા ગરમ મસાલા ડાલા હે, જો રહી ગયા થા. બીચ મેં મોટા રખના હે, કોર્નર પતલા રખના હે. બસ બસ ઈ નિકાલ દો ઇતને. થોડા ગોળ કરના હે, ઘૂઘરા નહીં બનાના. પકડ ક્યા બના ગઈ રે તું ક્રિશા? અચ્છા ઓકે, એસે ગોળ કરના હે. ઓ અચ્છા, ઓર ઇસકો બેલના હે. ઓવેલ બનશે મમ્મી, થોડા થોડા બેલો. ઓર જી બને પર રાઉન્ડ બનવું જોઈએ. પ્રેસ કરો થોડા સા. રખ દો, દૂસરી બનાવો. એસે કચોરી ફ્રાય હોની શરૂ હો ગઈ હે. અબ કેસે બનતી હે દેખતે હે. મેં ભી પહેલી વાર બના રહી હું, ઓર ક્રિશા ભી પહેલી વાર બના રહી હે. ઓર દેખતે હે કચોરી બનતી હે યા ઘૂઘરા બનતે હે. એક બહુ મુજે અફસોસ હે કે મગની દાળ નહીં ડાલી અમને. મૂંગ કી દાલ ડાલી હોતી તો અચ્છા રહેતા. ઓર ઉધર દેખો મેચ શરૂ હો ગયા હે. ઓર ઓમ ઓર ફેનિલ મેચ દેખને બેઠ ગયે. અબ દેખતે હે કચોરી કાલ આગે બતાતે હે આપકો.
जो भी होगा अच्छी होगी या बुरी होगी आपको दिखाएंगे। और कलर तो अच्छा लग रहा है मगर आँच बहुत धीमी रखनी है वरना अंदर से कच्ची रहेगी ऊपर से जल जाएगी। गैस फ्लेम धीमी रखनी है। ओके, हम है गुजराती मीडियम और ये हमारे बच्चे इंग्लिश मीडियम, तो ऐसे ऐसे सिखाते हैं और हम सीखते हैं थोड़ा थोड़ा बोलना। तो जी हमारी कचौरी फ्राई होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गई है और बहुत ही अच्छी बनी है, तो आपको दिखाते हैं आगे इसमें चटनी डाल के खाएंगे। जी कृषा ये वाली कचौरी कट कर रही है, कट बीच में से थोड़ा खोल के उसमें मसाला डाल के खाने का है। कृषा मसाला अभी तो गर्म है, रुको ऐसे नहीं करने का। बहुत ही अच्छी फूली फूली हुई है देखो, और देखो थोड़ी देर के लिए नहीं रुकते, गर्मा गर्म लपेट रहे हैं, झापट रहे हैं, उलार रहे हैं। चटनी में डालने का भी टाइम नहीं है इसको। मेहनत का फल मीठा होता है। मैं बनाया। बाकी भी लेगी कचौरी कृषा एक्स्ट्रा मसाला डाल रही है, मसाला डाल के लपेटेंगी। और ये गार्लिक और स्वीट चटनी है। ये देखिए हमारे रेडी हो गई कोई। ओके एंजॉय। इसने क्या किया देखो कोसमी डाल के फिर निकाल दिया। बहुत ही अच्छी बनी है यार कृषा, देखो। देखेंगे कचौड़ी बनती है या पूरी बनती है। गाइस ये मैं हूँ, ये दीदी है, हमारी पाली हो रही है। करवा मंडो ने कल्ला करसो रसोई में, अजी क्यारे तो जमवा दईसो बनावीने।